हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ अच्छी चल रही होगी। चलिए तो एवरीवन, इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 12, इंडेक्स नंबर, राइट? टिल येट वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। We have started the new topic, that is problems in construction of index number, and we have covered the initial two points of this topic. We have discussed that many a times we are confused about the purpose of index number, about the purpose for which we are calculating index number. उससे related थोड़ा सा confusion हो जाता है, तो दिक्कत आती है। और सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि द बेस ईयर जिससे हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो फाइनलाइज करने में भी काफी बार हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अभी आ जाइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कितने आइटम्स और कितनी कमोडिटीज हमें लेनी है जिससे हम कंपैरिजन कर पाए, उससे रिलेटेड कंफ्यूजन भी काफी बार हमें आ जाते हैं। काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट द नंबर एंड कैटेगरी ऑफ गुड्स दैट नीड टू बी सिलेक्टेड, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर टू बी सिलेक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे हम। आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा। अब जो कंपैरिजन के लिए हमें डाटा यूज करना है वो हम कौन से सोर्स से कलेक्ट करें? आपने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा सोर्स फाइनलाइज करना है जिससे हमें एडिक्वेट, एक्यूरेट और कंपेरेबल डेटा मिल सके, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सके जिसको यूज करके हम कंपेरिजन कर पाए, जो इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिसपे ट्रस्ट किया जा सके, जो इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो 100% सही हो। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन हम देखेंगे और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम अपने सारे डिसीजंस लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे प्राइस कोटेशंस की। ये कह रहे हैं अलग अलग चीजों की प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। अब हम हर जगह की प्राइस तो ले नहीं सकते, तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से एरिया में कंपैरिजन करना है, या फिर या तो हम कंपैरिजन वाली जगह की प्राइसेस ले लेंगे, अदरवाइज हमें पता होना चाहिए कि ये कमोडिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है, जो उस कमोडिटी का मेन ओरिजिन पॉइंट है जहां पे वो कमोडिटी बन रही है, हम वहां से प्राइस कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास अक्यूरेट प्राइस आ पाएगी उस चीज की। ठीक है, तो प्राइस जो हमें लेनी है कंपेरिजन के लिए वो कौन सी लेनी है वो देखना है। प्लस ये कह रहे हैं प्राइस लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो मनी प्राइजेस देते हैं और एक क्वान्टिटी प्राइजेस देते हैं। मनी प्राइस में मैं कहूंगी शुगर 40 रुपीज पर केजी है, क्वांटिटी प्राइस में मैं कहूंगी 1 रुपी में कितनी शुगर आ सकती है या 100 रुपीज में कितनी शुगर आ सकती है, राइट? तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या हमें हर कमोडिटी को 100 रुपीज से देखना है कि पर 100 रुपीज हम अलग अलग कमोडिटीज की कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, या हमें ये देखना है कि ओवरऑल जो गुड्स है उनकी पर केजी की क्या रेट चल रही है, तो इसका डिसीजन हमें लेना पड़ता है। इसके अलावा हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हम होलसेल प्राइस को लेंगे कि रिटेल प्राइस को लेंगे। दो अलग अलग प्राइस इंडेक्सेस हैं, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस, तो हमें वो भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी प्राइस लेनी है, है ना? प्लस कुछ चीजों की प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो हमें देखना है कि गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड प्राइस लेनी है या फिर ब्लैक मार्केटिंग होके जो ओवरऑल रेट आती है वो लेनी है। तो हमें ये सारे डिसीजन बहुत ही प्लान करके बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लेने होते हैं, और ये डिसीजन सही से ले पाना भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट एवरेज लेनी है आपको, मीन, मोड या मीडियन, तीन तरीके की चीजें होती है ना, तो उनमें से कौन सी एवरेज को यूज करेंगे? तो जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली मीडियन और मोड यूज नहीं होते, मीन ही यूज किया जाता है। एवरेज जब हम लेते हैं इंडेक्स नंबर का फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए तो हम मीन को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें कंफ्यूजन है कि अर्थमेटिक मीन लिया जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन लिया जाएगा, दोनों अलग अलग होती है ना, अर्थमेटिक मीन लेना है या ज्योमेट्रिक मीन लेना है। तो ये कह रहे हैं कि हमें ये बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। जनरली ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। ये वन मार्क में आ सकता है कि कौन सी एवरेज यूज की जाती है टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर, तो आपका आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मीडियन और मोड तो यूज नहीं किए जाएंगे। मीन में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जब कंपैरिजन हुआ तो पता चला कि ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा बेटर है।
आगे आ जाइए, सेलेक्शन ऑफ प्रॉपर वेटेज, वेटेज देनी पड़ती है हमें अलग अलग आइटम्स को कि उसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस कितनी है। अब जैसे आप अगर अपने सब्जेक्ट्स को वेटेज देने लगे, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को वेटेज देने लगे, तो सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको लगती है कि अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी की है। उसके बाद में इम्पोर्टेंस हमें लगती है इकोनॉमिक्स की, फिर आता होगा बिजनेस स्टडीज़। ऑल दो पाँचों सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना किसी एक सब्जेक्ट के आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जब हमें वेटेज देखनी होती है तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग इम्पोर्टेंस निकल के आती है। तो वैसे ही हम अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो उसमें अलग अलग वेट दिए जाते हैं। कोई कमोडिटी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई कमोडिटी जो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको वेट दे देंगे। तो वेट इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग भी दिए जाते हैं। हाईएस्ट वेट दे दिया जाएगा उस कमोडिटी को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लीस्ट वेट दे दिया जाएगा उस कमोडिटी को जो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वेट के अकॉर्डिंग अब काफ़ी बार वेट दिए जाते हैं क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग, कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी परचेज की जा रही है उसको हाइएस्ट वेट, फिर उसी सीक्वेंस में आगे। और काफी बार वेट दिए जाते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि जिस पे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है वो कमोडिटी कंज्यूमर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको फर्स्ट वेट दे देते हैं। तो ऐसे अलग अलग वेटेज दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेट्स भी होते हैं। जब हम अलग अलग वेराइटी के अकॉर्डिंग वेट देते हैं तो इम्प्लिसिट वेट होते हैं, और जब हम एविडेंस या इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट देते हैं तो एक्सप्लिसिट वेट होते हैं। अभी आप आ जाइए सीधा आगे, आपको पॉइंट्स के अंदर सिंपल एक्सप्लेनेशन समझना है। पीरियोडिकली वेट्स को रिवाइज किया जाता है क्योंकि अलग अलग चीजों की इम्पोर्टेंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। अगर सारी चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है, काफी बार सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, तो हम सबको इक्वल वेट दे देते हैं, इक्वल वेटेज। जैसे आपकी 12th की मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर सब्जेक्ट का परसेंटेज में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम सबको इक्वल वेट अगर दे देंगे या वेट ही नहीं देंगे तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर बन जाएगा। सबको वेट ही मत दो, बिना वेटेज के काम कर लो, सारे आइटम्स ही इंपॉर्टेंट है, तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आगे देखिए सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। आपको देखना है कि आपको कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेशन करनी है, आपका इंडेक्स नंबर कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं, आपको बहुत सोच समझ के ये फाइनलाइज करना है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्यूशन करना है, आपका कौन सा फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली है। अब देखिए मेन पोर्शन स्टार्ट हो गया है आपके चैप्टर का, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। बहुत सारे तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया जा सकता है। प्राइस इंडेक्स नंबर, जब हम प्राइजेस के कंपैरिजन करते हैं, जब हम देखते हैं कि दो टाइम पीरियड में प्राइस लेवल कितना चेंज हुआ, तो प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जब हम क्वांटिटीज में चेंजेस देखते हैं कि भाई प्रोडक्शन क्वांटिटी में कितना चेंज आया या कंजप्शन क्वांटिटी में कितना चेंज आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है। और जब हम किसी चीज की वैल्यू देखते हैं कि सपोज डिसिप्लिन की वैल्यू की बात करते हैं कि डिसिप्लिन की वैल्यू कितनी बदल गई है, पहले लोगों के लिए डिसिप्लिन कितना वैल्यूएबल हुआ करता था और आज की डेट में लोगों को क्या व्यू है डिसिप्लिन को लेके, तो जब हम वैल्यूज कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो तीनों अलग अलग है, कौन कौन से है, प्राइस इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं इनको, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर। द प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द जनरल चेंजेस इन प्राइस बिटवीन द करंट ईयर एंड बेस ईयर। क्या करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर की हेल्प से, हम करंट ईयर और किसी बेस ईयर की प्राइजेस में चेंजेस कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि आज सपोज 2022 में डोमिनोज का बर्गर, एक नॉर्मल मीडियम साइज बर्गर कितने रुपीज का है, तो मुझे पता चला 399। अब मैं देख रही हूँ डोमिनोज अपने बर्गर की रेट्स कैसे बढ़ा रही है, तो मैं कंपेयर करूंगी इसको 2018 की प्राइस से और मुझे पता चलेगा सेम क्वालिटी का बर्गर उस टाइम पे 299 में आ जाया करता था। तो यहाँ पे मैं प्राइस का एक चेंज मेजर कर पाऊंगी, एक वेरिएशन मेजर कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये वेरिएशन मेजर करने के लिए आप प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये,
General price index is used to measure the value of money. Of all index number, price index numbers are most important and are commonly employed in various economic and business context. ये कह रहे हैं general price level use किया जाएगा, general price index number use किया जाएगा money की value को measure करने के लिए. जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, prices बढ़ेंगे, money की value कम होती जाएगी. ठीक है, प्राइस बढ़ते हैं तो पैसा कम वैल्यूएबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब वो पैसा पहले के कंपैरेटिवली कम गुड्स परचेज कर पाता है. तो ऐसे में यही इंडेक्स नंबर है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बिजनेस लाइफ में हम प्राइस इंडेक्स नंबर को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं. आगे देखिए जरा क्या लिख रहे हैं ये आपके लिए. When percentage changes in price are different for different commodities, then price index number help in representing these changes by single numerical measure. ये कह रहे हैं अलग-अलग चीजों की प्राइस में अलग-अलग परसेंटेज से चेंज आता है. तो ऐसे में हम प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करके ये ऑब्जर्व करते हैं कि ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल कितना बड़ा है. आपने सुना होगा ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई आ रही है, तो ये सब का कैलकुलेशन प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करके ही किया जाता है. आगे देखिए, इट कैन बी होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स. कौन सी प्राइसेस ली है? अगर मैं होलसेल प्राइस लूंगी किसी भी कमोडिटी की, अलग अलग आइटम्स की, ऑन एन एवरेज होलसेल प्राइसेस जिसपे वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो ओवरऑल एक साथ खरीदने पे लगती है, उसको इंक्लूड करूं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ये इन्फ्लेशन का एक इंडिकेटर है. इससे इन्फ्लेशन की स्टडी होती है. और अगर मैं इंडिविजुअल कमोडिटीज की बात करूं, रिटेल प्राइसेस की बात करूं, अलग अलग चीजों की रिटेल प्राइसेस की बात करूं, तो मेरे पास रिटेल प्राइस इंडेक्स आएगा, जिसका दूसरा नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है. क्योंकि हम लोग जो इस प्राइस पे चीजें खरीदते हैं वो रिटेल प्राइसेस होती है. आप अगर कोई सोप परचेज करके लेके आ रहे हो तो जिस रेट पे आप परचेज कर रहे हो वो रिटेल प्राइसेस है, राइट? तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है. तो आपको ध्यान रखना है रिटेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है. ये हेल्पफुल है टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग. इसका आइडिया लगाने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहन सहन में कितना एक्सपेंस लग रहा है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उनके एक्सपेंसेस कितने हैं. और अगर मैं बात करूं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो ये इन्फ्लेशन को मेजर करने में हेल्पफुल है. आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ. देखिए जरा, स्क्रीन थोड़ी सी स्वाइप हो गई है, वापस लेके आ रही हूँ मैं क्वेश्चन. प्राइस इंडेक्स नंबर के बाद आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. जब मैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स या वॉल्यूम ऑफ गुड्स को पढ़ती हूँ और उसमें कितना चेंज आया इसको मेजर करती हूँ, तो ये क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. सपोज आपको कहा जाए, आपको बताया जाए कि आपके घर का खेत है, फार्मलैंड है, ठीक है, आपके घर की फार्मलैंड है, आप उसकी स्टडी करो और आपको पता चले ये कि 2011 में वहां पे 50 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस होता था, 50 क्विंटल्स ऑफ राइस. और 2021 की बात करूं तो उस फार्मलैंड पे केवल 35 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस हो गए. तो ये जो क्वांटिटी में चेंज आया है, इस चेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सपोज 75 क्विंटल का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, या आपकी बिजनेस यूनिट है, आपके फादर की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे पहले जो प्रोडक्शन होता था उसकी क्वांटिटी, और आज की डेट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वांटिटी. या मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया से जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी उस एक्सपोर्ट की क्वांटिटी, पहले कितना एक्सपोर्ट होता था और कोरोना के बाद कितना एक्सपोर्ट होता है, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो ये बन जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर measures the average change in quantities and enable us to compare changes in physical quantity of goods produced, consumed or sold. किसी में भी comparison किया जा सकता है. The level of physical output in an economy can be easily studied by this type of index number. Physical goods की level, उनकी कितनी quantity बनी है, ये इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है. They can be constructed by using both simple as well as weighted method. Simple method भी use किया जा सकता है, weighted method भी. Quantity index number can be easily derived from price index number by interchanging P's to Q's. ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे किया जाता है. ये कह रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले से ही हो जाता है, P को Q से इंटरचेंज कर दिया जाता है. कैसे, वो आगे पढ़ेंगे फॉर्मूले के साथ. फिर द इंडेसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आर ऑल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर.
कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ है, कितने एक्सपोर्ट हुआ है, इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ है, जब हम ये सब स्टडी करते हैं तो हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ रहे होते हैं। आसान है ना एकदम। थर्ड देखिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर। इसमें हम कंपेयर करते हैं टोटल वैल्यू किसी एक पीरियड की दूसरे पीरियड से। यानी 2011 में आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो आप कितनी वैल्यू का गुड्स बना पा रहे थे, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके वैल्यू आता है, यानी फर्स्ट और सेकंड का समेशन है ये, मल्टीप्लिकेशन है सॉरी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स जब हम देखेंगे तो वो आ जाएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर में, कि 2011 में जब मैं राइस बना रहा था तो कितने वैल्यू के राइस बन रहे थे ओवरऑल, और आज की डेट में कितने बन रहे हैं, ये कंपैरिजन जब मैंने किया तो वैल्यू इंडेक्स नंबर है। पहले वाले में मैंने क्या किया कि 2011 में राइस की प्राइस क्या थी और आज क्या है। सेकंड में मैंने किया 2011 में मेरे यहाँ कितनी राइस प्रोड्यूस हो रही थी, आज कितनी हो रही है। और थर्ड में मैंने किया वैल्यू ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये आपको, वैल्यू इंडेक्स नंबर कंपेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सम पीरियड विद द टोटल वैल्यू ऑफ बेस पीरियड। किसी भी पीरियड के गुड्स की वैल्यू बेस ईयर के गुड्स की वैल्यू से कंपेयर की जाती है। द स्टडी ऑफ चेंजेस इन टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन सच एज इंडेक्सेस ऑफ रिटेल सेल्स और प्रॉफिट्स और इन्वेंट्री कैन बी मेड बाई यूजिंग इंडेक्स नंबर। आप इन वैल्यू इंडेक्स नंबर को यूज करके वैल्यू में चेंजेस को पढ़ सकते हैं। अब देखिए थियोरिटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है। हैव अ लुक एवरीवन। सॉरी, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। एक ही फॉर्मूला बार बार घूम घूम के आपके पास आएगा, तो ध्यान से समझते जाना। अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर या फिर वेटेड इंडेक्स नंबर। एक तो होता है अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। दोनों के अंदर दो दो पार्ट है। सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव दोनों ही बहुत आसान है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ये हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। और वेटेड इंडेक्स नंबर में भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। यानी एक तो एग्रीगेट मेथड होता है और एक एवरेज का मेथड होता है। तो सिंपल वाले में भी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है और सिंपल एवरेज है, वेटेड वाले में भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर की, जिसमें सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है। तो देखिए इन एन अनवेटेड इंडेक्स नंबर ईच आइटम इज सपोज टू हैव सेम वेट एज नो वेट इज एक्सप्रेसली असाइंड टू एनी आइटम। आपको किसी आइटम को कोई वेट नहीं देना है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कर रहे हैं हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर में, आप तो बस समझते जाइए, बहुत आसान है। एक एग्जांपल नंबर वन को देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, वीट राइस पल्सेस और शुगर की प्राइसेस दी हुई है 2011-12 में, और फिर इनकी प्राइसेस दी हुई है 2016-17 में। सिंपल एग्रीगेट मेथड लगाना है इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन के लिए। तो आप कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे वो समझते हैं हम ध्यान से। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज और आपको कैलकुलेट करना है सिंपल एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला देखिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे आपको, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। P1 यहाँ पे है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और P0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर। P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर और P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कितना ज्यादा आसान है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपको यहाँ पे ये जो प्राइसेस गिवन है, गिव मी अ सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन ने टेबल दी थी, ये टेबल में आपको प्राइसेस गिवन है 2011-12 की, और क्वेश्चन ने लिख दिया है टेकिंग 2011-12 एज बेस ईयर। यानी कंपैरिजन करना है आपको 2016-17 की प्राइसेस का विद द प्राइसेस ऑफ 2011-12। तो 11-12 की प्राइसेस बेस ईयर है, मुझे इस बेस ईयर की प्राइस का टोटल कर देना है, यानी 30 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 30, सिंपल इनको ऐड किया
और ऐसे ही मैंने करंट ईयर की प्राइजेस का टोटल कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं दोनों प्राइजेस का टोटल किया, सिंपल सिग्मा पी वन और सिग्मा पी जीरो किया। आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, देखिए पी वन की टोटल आ रही है 140, सॉरी पी जीरो बेस ईयर की प्राइजेस की टोटल आ रही है 140 और करंट ईयर की आ रही है 185। अब आपको 185 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इससे आसान कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स में आ नहीं सकती, तो देखिए क्या किया मैं, सिंपल एकदम आसान सा कैलकुलेशन है, सिग्मा पी वन दैट इज 185 अपॉन पी जीरो दैट इज 140 मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे पता चला 132.14 इंडेक्स नंबर है। अब एक छोटी सी बात समझिए, हम ये मानते हैं कि बेस ईयर में जो प्राइजेस थी वो 100 थी, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा था हमने, आपको याद हो तो थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते टाइम ये चीज स्टडी हुई थी। बेस ईयर वाली प्राइजेस को 100 माना गया है, बेस ईयर वाली प्राइस को क्या माना गया है 100, तो करंट ईयर में प्राइस 134% हो गई है। इंडेक्स नंबर बता रहा है कि बेस ईयर में अगर 100 थी तो अभी 32.14 हो गई है, 132.14, तो ये जो 32.14 है ये प्राइस का इंक्रीमेंट है। तो लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर 132.14 ये रिवील कर रहा है कि 32.14% से प्राइसेस इंक्रीज हो गई है, प्राइसेस में इंक्रीज आ गया इतने परसेंट का। आसान है ना एकदम। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसी सीक्वेंस में अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें तो ये रिटेल प्राइसेस दी हुई है एक टिपिकल फैमिली के शॉपिंग बास्केट की। आपको बताना है 2001 और 2007 की प्राइसेस में कितना चेंज आया है। नीचे लिखा हुआ है, देखिए मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में दैट यू हैव टू यूज सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर है 2001 यानी ये P1 है, प्राइजेस ऑफ 2001 जो है, और ये आपकी बेस ईयर 2001 है यानी ये P0 है, ये P0 है। 2001 की जो प्राइजेस है इसको आप P0 मानेंगे क्योंकि ये बेस ईयर की प्राइजेस है, और 2007 की जो प्राइजेस है इसको आप P1 मानेंगे क्योंकि ये करंट ईयर की प्राइजेस है। अब फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो करंट ईयर की प्राइजेस का टोटल आ रहा है 199, बेस ईयर की प्राइजेस का टोटल आ रहा है 162। वी हैव सिंपली कैलकुलेटेड द इंडेक्स नंबर, कैसे निकाला, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, मेरे पास आंसर आया 122.83। ये रिवील कर रहा है कि नेट इंक्रीमेंट कितना आ गया है प्राइजेस में, 22.83% का इंक्रीमेंट आ गया है। हालांकि प्राइस इंडेक्स नंबर तो 122.83 है क्योंकि हम इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में नहीं शो करते, लेकिन ये इंडेक्स नंबर आपको इंडिकेट यही कर रहा है कि प्राइस लेवल में 22.83% का इंक्रीमेंट आया है। ये चीज आपको एक लाइन में लिखनी जरूरी हो जाती है। आगे देखिए, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बाय फर्स्ट टेकिंग 2013 एज बेस ईयर एंड देन 2015। इस बार आपको ये जितने भी ईयर्स है इन सभी की प्राइजेस का इंडेक्स नंबर निकालना है। एक बार P0 रखना है 2013 को, P1 ये रेस्पेक्टिव हो जाएगा, यानी कि 2013 के लिए कैलकुलेशन होगी 40/40 × 100, 14 के लिए 50/40 × 100, सबकी अलग अलग, और फिर एक बार 2015 को बेस ईयर लेके ये यहाँ पे कैलकुलेशंस बताई गई। इस बार एग्रीगेट नहीं करेंगे क्योंकि सब अलग अलग ईयर्स दिए हुए, अलग अलग कमोडिटी नहीं दी हुई, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल और फिर पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।